शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संसार में हर इंसान को अन्य कार्यों की जानकारी के साथ साथ काम क्रिया की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। इसका ज्ञान न होने पर इंसान एक अद्भुत आनंद से वंचित रह जाता है, जैसे कि चंदा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे की जय नाथ निहाल। ओम जय गण गणपताय नमः। ओम 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 श्री विष्णु नमः। शांति ओ शांति। ओम जय मां जगदम्बा।
आ गए आप? ये लो। क्या बात है, बहुत पूजा हो रही है। वो क्या है ना, चंदा बड़ी हो गई है, उसके ब्याह की चिंता है, लोगों की आंखें उठने लगी हैं, इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अरे अभी बच्ची है वो। बच्ची? 5 फुट से ऊपर की हो गई है और तुम्हें बच्ची नजर आती है? शांति, क्या तुम्हें चंदा बोझ लगने लगी है? उल्टी ही बातें करोगे। कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या जवाब दोगे भगवान के दरबार में अपने भाई को कि चंदा की रक्षा भी नहीं कर सके? शांति, वो तो भगवान खुद ही जानते हैं कि चंदा को हमने अपनी बेटी मान के ही पाला है। हम तो निसंतान थे, भगवान ने हमें पहले बेटे के रूप में सुजान दिया और अब। वो तो भगवान की कृपा है, हम तो सब जगह से हार गए थे। मंदिर गए थे भगवान से प्रार्थना करने के लिए, वही मंदिर की सीढ़ियों पर सुजान पड़ा रो रहा था। कोई दुखियारी छोड़ गई थी भगवान के भरोसे। लोग कहते हैं कमला का बेटा था, उस पापी दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। राक्षस था वो। अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं भूतनी हूँ? और नहीं तो क्या, तभी तो मेरे पीछे लगी हो। ये क्या हो रहा है चंदा? हाँ बस बहुत हो गया। हाँ बस कर। देखो ना काकी, कभी चोटी खींचता है तो कभी गुदगुदी करता है, तब देखो तंग करता रहता है। सुजान, चंदा, बड़े हो गए हो तुम लोग, अब भी बच्चे जैसे लड़ते रहोगे। मैं कहाँ झगड़ती हूँ, जब देखो ये मुझे तंग करता रहता है। बस बहुत हो गया सुजान। हाँ, अब बंद ये सब कुछ, चलो अंदर चलो। जाओ अंदर जाओ। जी जाओ। चलना भूतनी कहीं की। हे भगवान, ना जाने इन दोनों को कब अकल आएगी। चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे हलवा पूरी लाई हो खाने के लिए। ये रोटी प्याज और अचार के साथ खाओगे ना तो तुम हलवा पूरी भूल जाओगे, और ये छाछ, थकान दूर हो जाएगी। थकान तो तुझे देखते ही दूर हो जाती चंदा। तो ठीक है, मैं छाछ नहीं लाया करूंगी, मुझे देख कर ही अपनी थकान दूर कर लिया करो। क्या बात हो रही है भाई दोनों में। देखो ना काका, दही बिलोते बिलोते मेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं, और ये है कि मेरे छाछ को। बाबूजी, मैं ये बोल रहा था कि छाछ ज्यादा लाया करो, क्योंकि इसके हाथ की बनी हुई जीरे वाली छाछ की बात ही कुछ और है। सो तो है चंदा, तुम्हारी छाछ लाजवाब है, क्योंकि शांति भी ऐसी छाछ नहीं बना पाती है। क्या बात कर रहे हो काका, सीखा तो मैंने अपनी काकी से ही है ना। सो तो है, चलो। अच्छा चलो रोटी खा ले। चंदा। क्या है चंदा? वो क्या है, मुझे तुमको देखते हुए बहुत दिन हो गए। तो तुम मुझे कुछ कहना है? जल्दी कहो, हमें जाना है। वो क्या है कि तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ ही, इसमें कहने वाली क्या बात है। नहीं नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता है गिरजा, सारा गांव कहता है, इसके लिए रोका था क्या? नहीं नहीं, मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तो कहो ना, मगर अभी मेरे पास समय नहीं, फिर कभी कहना, या घर पर आकर कह देना। मुझे कुछ करना है। जल्दी करो बिरजा, मुझे जाना है। करूं? करो। सच सच करूं? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जो करना है। मुझे कुछ छुट्टी हो रही है। वो नहीं, वो ना। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसके लिए तो कब से तरस रहा था मेरी जान। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? और पकड़ो मुझे, और पकड़ो, पकड़ो। चंदा, चंदा। अरे चंदा बेटा, ये मटकी कैसे फोड़ दी? अरे वो बिरजा है ना,
उसने क्या किया? उसने पहले उसने मुझे गुदगुदी की, फिर मैंने उसे मना किया तो वो नहीं माना। फिर क्या, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। क्या, फिर क्या किया उसने? फिर वो क्या करता, जो भी करना था मैंने किया। तूने फिर क्या किया तूने? मैंने जोर से मटकी उसके सर पे दे मारी और फूट गई। चल अब रोती क्यों है? अच्छा किया जो तूने उस बदमाश के सर पे मटकी दे मारी। जा जाकर हाथ मुंह धो ले जा। ना जाने ये लड़की क्या गुल खिलाएगी, अल्लड़पना इसका कब जाएगा? जवान लड़कों के साथ छेड़छाड़ करती रहती है, अब तो इसके हाथ जल्दी ही पीले कर देने पड़ेंगे। तू हार गई, तू हार गई। देख अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी? मेरी बारी है? नहीं मेरी बारी। मेरी बारी है, मैं खेलूंगी। अरे मेरी बारी, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगी, मैं खेलूंगा। चंदा, सुजान, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। हाँ माँ सो जाएंगे, बस थोड़ी देर और। चील उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, मार खाओ आप। बेईमानी, 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 बेईमानी। बेईमानी नहीं है ये, ईमानदारी है ये तो। अगर बेईमानी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुके होते। अच्छा तो बेईमानी करो। करूं? करो। करूं? करो। करूं? करो। कितनी हो रही है? मैं तो बेईमानी करके ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? बेईमानी? आज बिरजा ने भी ये किया था, उसका भी मेरे सर फोड़ा था। बिरजा ने क्या किया था? बिरजा ने क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, बस खेल रहे थे। चलो रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। जी चल चंदा, सुजान तुम भी सो जाओ। न जाने चंदा कब मेरी भावनाओं को समझेगी। सुनो जी। हाँ, हम कह रहे थे कि क्या कह रही थी? चंदा और सुजान अब बड़े हो गए हैं। तुम्हें तो हर वक्त दोनों की शादी की चिंता लगी रहती है। नहीं ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है, काहे नींद खराब कर रही हो? सोच रहे थे कि चंदा की शादी भी हो जाए और वो इसी घर में रह जाए। ओफो, तुम भी अच्छी माँ हो, बिटिया पराया धन होती है, इसलिए बहुत नेह लगाना ठीक नहीं। और फिर बच्ची है अभी, अभी से क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, अगर अपनी चंदा की शादी सुजान से कर दी तो। ये क्या कह रही हो तुम? देखो सुजान हमारा सगा बेटा तो है नहीं, स्वभाव का अच्छा लड़का है। लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे, कहीं सुजान? नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, सुजान तो भला लड़का है, लगता है अपनी चंदा को बहुत चाहता है। और फिर दोनों बचपन से साथ रहे, खेले खाए बड़े हुए। लेकिन शांति, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। बच्चे हैं अभी वो, अब दोनों बड़े हो चुके हैं, फिर इसमें बुराई भी क्या है? हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, और चंदा बड़ी भोली है, किसी दूसरी जगह उसका ब्याह हो गया तो ना जाने कैसे रह पाएगी वहां पर, दुनियादारी की रत्ती भर भी समझ नहीं है उसमें। लेकिन शांति लोग क्या कहेंगे? सबको मालूम है ना जी कि सुजान हमारा सगा बेटा तो है नहीं, फिर हम गलत संबंध थोड़े ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, सोचेंगे इस बात में, और फिर हमें समाज में भी तो बात करनी पड़ेगी। अभी सो जाते हैं। हाँ। चलो। सरकार कहूंगी, राजा जी कहूंगी, दिलदार कहूंगी।
कहूंगी, छेना दी कहूंगी, साजन दी कहूंगी, सैया दी कहूंगी रे। भूता हवेली में, भूता हवेली में, मगर क्यों? भूत से मिलने प्रेम हो गया है उसे। भूत से मिलने प्रेम हो गया उसे, लेकिन सुना है भूत तो इंसान को मार डालते हैं, और अगर मेरे प्यारे सखी को भी मार डाला तो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आओ बसंती। हाँ राघव। चंदा ये क्या किया तुमने? अरे मारते नहीं तो ये भूत तुम्हें कच्चा खा जाता। बेवकूफ, ये भूत नहीं है। भूत नहीं है तो ये क्यों तुम्हें सता रहा था? तुम्हारे कपड़े उतार दिए और तुम्हारे ऊपर ये चढ़ा हुआ था। अरे पगली, ये मेरा प्रेमी है, प्रेमी मेरा होने वाला। वो होने वाला वो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जा मर, मैं जा रही हूँ। तू तो अभी बच्ची है, कुछ नहीं समझेगी। क्या बात है, आज कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। यार चंद्रमान, यहाँ भी कोई जानवर नहीं है, लगता आज खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यार शिकार तो होगा, चलो आगे देखते हैं। छोटी छोटी ठाकुर,
नाम से शिकार करने आए थे, खुद ही शिकार हो गए। अरे ठाकुर साहब ने तो घनी मुसीबत में डाल दियो प्रताप भाया, थे मने अठीने इतनी बार लायो है लेकिन अभी मिला तो कुछ नहीं अठे। दीवान जी, उसके मिलने की संभावना यही पर है। थारे मुंह में गोबर चला चला के मार दिया मन ने। दीवान जी देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें मिलेगी। चलो ढूंढते थोड़ा, चलना तो पड़ेगा ही। आओ दीवान जी, ठाकुर का काम है, घूमना तो पड़ेगा। तो मन ने मारी दी हो प्रताप, कितना चलाएगा रे। आओ दीवान जी, थोड़ा और ढूंढते। दीवान जी, अरे यही तो है वो लड़की। ये तो हरपाल की छोरी है चंदा। नहीं प्रताप, ये छोरी को नहीं, ये छोरी को नहीं, ये तो अप्सरा है। आ? अप्सरा है। ए, देख अब थारा काम खत्म हो गया, अब जो करना है मैं करूंगो। हाँ? जी, हाँ, ये दो बेचारे बिना सहारे पूछ पूछ कर हारे। अरे हुँ? ये तो दीवान साहब नजर आ रहे हैं। नमस्ते दीवान साहब। नमस्ते। आप थोड़ा परेशान से नजर आ रहे हैं। अबे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। अभी आपकी परेशानी दूर कर देते हैं। ये मेरा चेला, मैं इसका गुरु। ये बहुत अच्छा शायर है, मैंने इसको सिखाया है। चले इनकी परेशानी पे एक शेर पेश किया जाए। मसला अर्जे? मसला नहीं, मतला। अच्छा फरमाइएगा। तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान। अरे तुम भी परेशान हो, अबे आगे बढ़। तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान। चलो दोनों मिलकर परेशानी दूर करें और इस तालाब में डूब मरे। ये तो घणो ही अच्छो आइडियो है। अब थे मारा शेर सुनो। इधर आ, मैं थाने तालाब में डुबा दूंगा, जिंदा रहूंगा तो फिर मिलूंगा। डाल पता, भलाई का जमाना नहीं। हाँ भलाई का जमाना नहीं। प्रताप, उस दिन जंगल में क्या कुछ हुआ था? जंगल में तो कुछ नहीं हुआ था ठाकुर साहब, पर लौटते वक्त तालाब के पास एक युवक एक युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा था और चंद्रभान ने उसे बचाया था। फिर क्या, उस युवती की सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और अपने होशो हवास खो बैठा। कौन है वो लड़की? वही अपने हरपाल की भतीजी चंदा। दीवान जी, जी हरपाल को फौरन बुलाया जाए। हम अपने बेटे की खुशी के लिए किसी भी चंदा को बुला सकते हैं। ये चिंता नहीं करो ठाकुर साहब, मैं अबारी जाके हरपाल ने लेके आ रही हूं। ओए हरपाल। नमस्ते दीवान जी। तन्ने राजा ठाकुर ने बुलायो है। राजा ठाकुर ने? हाँ। वो क्यों? वो तो वही तन्ने बतावेगा। लेकिन दीवान जी, इस साल की बटाई तो हमने दे दी है, फिर ठाकुर साहब ने क्यों बुलाया? बटाई की बात को नहीं, और कोई बात करने बुलाया है। ठीक है, मैं शाम में आ जाऊंगा। शाम नहीं, अभी 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 चलना पड़ोगो। लेकिन दीवान जी। चाल। ठीक है, पता नहीं कौन सी नहीं हो सकती। चाल मेरे सागे। हरपाल,
तुम्हारी भतीजी को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ठाकुर साहब, हम धूल मिट्टी में पले हुए इंसान हैं, झोपड़ों में रहते हैं, महलों के ख्वाब देख नहीं सकते। ठाकुर साहब, चंदा आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। हरपाल, हमारे बेटे का मन तुम्हारी भतीजी पर आ गया है, इसलिए हम तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। कल सुबह तक का वक्त हम तुम्हें देते हैं, अपने घर जाकर इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना और अपनी सहमति की सूचना हमें भेज देना। हम तुम्हारे घर शगुन भिजवा देंगे। अब तुम जा सकते हो। नमस्ते ठाकुर। ठाकुर साहब, मारे पल्ले तो यो पड़ियो है कि चंदा हरपाल की छोरी कोनी, मुखिया धर्मपाल की छोरी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देख लियो, हरपाल हाँ कोनी करे। शांति, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अरे बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। शांति, हमें आज ही ये गांव छोड़ना होगा। हाँ? क्यों? ऐसा क्या हो गया है जो हमें आज ही रात को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा? अगर आज रात हमने गांव नहीं छोड़ा तो समझ लो कि राजा ठाकुर फिर हमें एक बार बर्बाद कर देगा। ठाकुर सूरज भान, पर क्यों? छोटे ठाकुर ने हमारे चंदा को कहीं देखा। हाय राम। और उसका मन है कि वो चंदा के साथ ब्याह करे। क्या? लेकिन तुम जानती हो शांति, कि जिन हाथों ने चंदा को अनाथ किया है, मैं उसके बेटे के साथ चंदा का विवाह कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इसलिए फौरन तुम इस गांव से चलने की तैयारी करो। ये तो बहुत बुरा हो जी। राजा ठाकुर ने हमें सोचने के लिए सुबह तक का मौका दिया है, और राजा ठाकुर को मना करना हमारी बर्बादी और चंदा के लिए मुसीबत है। इसलिए शांति, हमें फौरन फौरन ये गांव छोड़ना होगा। पर हम भाग के जाएंगे कहां? वो हमें कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। हम दूसरे गांव में सुबह ही किसी मंदिर में जाकर सुजान और चंदा का ब्याह कर लेंगे। एक बार विवाह हो गया तो ठाकुर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं चलने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? चंदा, सुजान, जल्दी से अपना सामान बांध लो, आज ही रात को हमको गांव छोड़कर जाना है। अचानक ऐसा क्यों? किसी दूसरे गांव में जाकर तुम दोनों की शादी करनी है। हमारी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी सुजान के साथ। पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक हमारी शादी और वो भी दूसरे गांव जाकर। बेटा सुजान, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि अचानक मुहूर्त निकला है और शादी किसी दूसरे गांव में होना है। तुम दोनों फौरन अपना सामान बांध लो, जाओ। अरे खड़े क्यों हो अब, जाओ अपना सामान बांध लो, जाओ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाधि साधिके त्रिमुखे त्रिमुखे गौरी नारायणी नमस्तुते। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो सदा सदा। दूधो नहाओ, पूतो फलो। भैया मुझे माफ करना, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। हे भगवान, अब तो इन बच्चों की रक्षा करना। दीवान जी, प्रताप कहाँ गए सब के सब? चंदा को ढूंढो, चंदा को कहीं से भी लेके आओ। मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चंदा मुझे हर हाल में हर कीमत पर चाहिए। कलवा, प्रताप
कन्ना को लेके जा रहे हैं। पकड़ लो उनको, भागने न पाए। सुजान, ये हार पानी में अर्पण कर दो।
बेटी कब तक ऐसे ही रोती रहोगी? अरे तुम्हारे दुख से हम भी दुखी हैं। तुम तो भाग्यशाली हो जो बच गई। अगर हम उन डाकों के हाथ से तुम्हें नहीं छुड़ाते तो ना जाने क्या करते हो तुम्हारे साथ। हाँ बेटी, वे दुष्ट लोग सारे काका काकी ने भी मार दियो है, और जो सारो सामान था ना वो भी ले गयो है। अब सारी दुनिया में कोई भी कोई नहीं बचियो है। मगर तुम चिंता मत करो बेटी, तुम हमें ही अपना सब कुछ समझो और इस घर को अपना घर समझ कर यही रहो। हम तुम्हें बेटी जैसा ही सम्मान देंगे। मुझे क्यों बचाया आपने? मरने दिया होता, मर के अपने काका काकी के पास तो रहती। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। जीवन बड़ा अनमोल है, उसे इस तरह गवाना ठीक नहीं। अरे बेटी, वो तो ठाकुर साहब थोड़ा लेट हो गयो, तो वरना थारे काका काकी ने भी बचा लेते। लेकिन तू चिंता को नहीं कर, ठाकुर साहब ने थारे काका काकी को मारने वाले दुष्टों को मार कर थारा बदला पूरा कर लियो है। अब थारा दुनिया में कोई बचा को नहीं था, इसे ठाकुर साहब तन्ने अठे लिया। अब थारा ठाकुर साहब के सिवा कोई को नहीं है। अब फिर रोना बंद करो और ठाकुर साहब की बात सुनो, थाने नई जिंदगी की शुरुआत करना है। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो दीवान जी। घबराओ मत बेटे, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। बैद्य जी ने कहा है चिंता का कोई कारण नहीं है। बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे बेटे तुम, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। दीवान जी, चंदा बेटी तू कैसी है? थाने कोई तकलीफ तो नहीं नाठे? जी बहुत अच्छी मैं। तू अपने आप में एकली मत समझे, हम सब तेरे दुख में तेरे साथ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। बेटी वो तो हैं, इसीलिए तो ठाकुर साहब अपनों गम भूलकर थारे गम के पीछे पड़े हुए। कैसा दुख? बेटी थे जानो कोनी, ठाकुर साहब रो बेटो बहुत बीमार है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, बस बिस्तर पे ही पड़ा रहता। तू जाकर उसे देखेगी ना तो ठाकुर साहब घणों ही खुश होंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलना बेटी, लेकिन ऐसे नहीं, थाने सच सवर के हवेली के नियमों के अनुसार चालनो पड़ोगो। चालोगी? जी जी हाँ। थे इनको तैयार करके छोटे ठाकुर के कक्ष में ले आ। जी ठीक है, चल बेटी जी। मैं चल रहा। ठाकुर साहब सारा काम तो बन गया है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। प्रणाम। कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, मैं सच में खड़ी हूँ। यकीन नहीं आता तो छूकर देखिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आप तो छोटे ठाकुर हो। हाँ। आपकी तबीयत को क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ। लेकिन तू यहाँ कैसे? तुम्हारा नाम? मैं चंदा हूँ। ठाकुर साहब ने मुझे डाकुओं से बचाया था, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा। ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। क्या तुम हमारे साथ यहाँ रहोगी, हमारे पास? ईश्वर इतना भी दयालु हो सकता है? कल तक तो तुम हमारे लिए सपना थे। ये सपना नहीं, सच्चाई है बेटे, हम अति प्रसन्न हैं। बेटा चंदा,
ये चमत्कार तुम्हारे आने से हुआ है। हम तुम्हारे आभारी हैं। आभारी तो हम हैं आपके, हमारी जान बचाई है आपने, और इनके भी आभारी हैं हम। इन्होंने हमें दुष्ट के हाथ से बचाया था। हम अपनी जान देकर भी आपका ये ऋण नहीं चुका सकते। छोटे ठाकुर, अगर थे चाहो तो राजा ठाकुर चंदा को अपनी बहू बनाना चाहे हैं, यानी आपके सागे का ब्याह कराना चाहे। जी जी दीवान जी, जैसी आपकी इच्छा, हमें मंजूर है। चंदा बेटी, थाने तो शादी मंजूर है ना? नहीं दीवान जी, ये नहीं हो सकता। थाने छोटे ठाकुर पसंद को नहीं? नहीं दीवान जी, छोटे ठाकुर तो बहुत अच्छे हैं, मगर हम इनके काबिल नहीं हैं। आप कहें तो हम जीवन भर इनके चरणों की दासी बनकर रह लेंगे। चंदा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, चरणों में नहीं। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, ये असंभव है। चंदा, सूरज भान के सप्त कोष में असंभव शब्द है ही नहीं। तुम ये बताओ, शादी करना क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? मगर परसों तक तो। कब हुई तारी शादी? कल ही मेरी शादी हुई है। किससे? बोलो। सुजान से। तुम्हें काका ने अपने बेटे की तरह पाला था। लेकिन सुजान तो कल डाकुओं के हाथ मारा गया है, तो जिंदा कौन है? हाँ दीवान जी, मेरी शादी ही सबके लिए अभिशाप बन गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी काली छाया इस परिवार पर पड़े। मगर बेटी, वो शादी का अर्थ ही क्या रहा? तुम दोनों साथ भी नहीं रह पाए। बेटी मैं बोलूं, थे ठाकुर साहब की बात मान लो, ये थारे ही हित में है। थे जो है विधवा की नहीं विवाहित औरत की जिंदगी बिताएगी, और वैसे भी ठाकुर साहब के थारे ऊपर इतने एहसान हैं, थे इनके लिए वास्ते इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जैसी आपकी इच्छा। बधाई हो। आपको भी बधाई हो दीवान जी, आपको भी बधाई हो। अब आप जल्दी से विवाह की तैयारी कीजिए, और हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। खुशी आई है, आई है। अरे उस्ताद, बचपन में लोग हमें काम चोर कहते थे, स्कूल में गए तो पेपर चोर कहते थे, और कॉलेज में आए तो चिट चोर, और अब लात खा खा कर लाभखोर बन गए हैं। अबे चेले, तरक्की तो हो रही है, कुछ दिनों के बाद लोग हमको आराम खोर भी कहेंगे। अरे वाह उस्ताद, क्या बात कही है। मुझ चुमलू चले लात मारते हैं। यहाँ चले आए। अरे भाई साहब माफ करना, हमें पता नहीं था। करना। चलो चलो, घर में जवान लड़की है। चलो चले, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे चले, इससे मिलते हैं। हाँ। नमस्ते भाई साहब। माफ करना, आपके घर में कोई जवान लड़की है क्या? क्यों, थोड़ा सोना है। अरे 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 निकम्मे कहीं से चले आते हैं। पूछो तो पड़ती है, पूछो तो पड़ती है, भलाई का जमाना नहीं रहा। अरे चले, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सुहानी रात में तुम सो रही हो, आज तो हम शादी के बंधन में बंधे हैं। आज सोने की नहीं, आज जागने की रात है। चंदा, चंदा, हो रही है। चंदा, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम वही हो जिसकी मुझे सदियों से प्रतीक्षा थी।
श्यामली बता रही थी कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। उसे क्या पता था कि मैं दिन रात तुम्हें ही देखते रहता था। सब लोग यही सोच रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। चंदा चंदा, आज सोने की नहीं, आज जागने की रात है चंदा। क्या है? सोने दो ना, नींद आ रही है। रात सोने के लिए होती है, जागने के लिए नहीं। सोने दो, तुम भी सो जाओ। ठीक है, आज की रात नहीं तो कल की रात से। अभी तो उम्र भर साथ रहना है। ये क्या, छोटी ठोकराइन आपने यही कपड़े पहन लिए? मुझे तो यही कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने छोटे ठाकुर को भी कह दिया है कि मैं यही कपड़े पहनूंगी। ठीक है। छोटी ठोकराइन जी, ठोकराइन जी, दूध लाई हूं आपके लिए। तो कितना ध्यान रखती है हमारा, ये तो हमारा काम ही है। लगता है आज रात आप अच्छी सोई, खूब नींद आई। हाँ, मैं खूब सोई। लेकिन छोटे ठाकुर का ध्यान नहीं रखा है आपने। क्यों, क्या हुआ? आज की रात तो जागने की रात थी। रात तो सोने के लिए होती है, जागने के लिए थोड़ी ना होती है। आप तो बहुत भोली है। मतलब आपने छूने भी नहीं दिया छोटे ठाकुर को? नहीं, छू तो रहे थे। लेकिन आपकी कमर पे हाथ तो नहीं रखा? गुदगुदी होती है ना, गुदगुदी होने के लिए ही तो शादी होती है। अच्छा, और क्या क्या होता है शादी के बाद? एक दूसरे को छूते हैं, फिर दर्द होता है, फिर 9 महीने के बाद बच्चा आ जाता है। फिर गणी ठाकुर साहब। दीवान जी, क्या बात है, थे इतना परेशान काहे लाग रहे हो? दीवान जी, मेरे बेटे की चिंता मुझे खाई जा रही है। अब के की और छोटे ठाकुर ने? न जाने क्यों दिन ब दिन उसका चेहरा मुरझाते चला जा रहा है। न कुछ ढंग से खाता है और न पीता है, हमेशा उदास जैसा रहता है। वो तो मनने भी लग रहे हो ठाकुर साहब, जब से शादी हुई है एक बार भी शिकार को नहीं गया। हाँ दीवान जी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। यही हाल रहा तो कहीं पहले जैसा ही, अब और चंदा कहां से लाएंगे हम? सारे गमों की जड़ ये चंदा ही है। जब से इस लड़की की परछाई मेरे लड़के पर पड़ी है, तब से, यानी कि शादी से पहले से आज तक, मेरे बेटे के सर पर इस मनुष्य के साए मंडरा रहे हैं। पहले उसे ना पाकर और अब पाकर भी। मगर ठाकुर साहब, थारे घराने की बहू है। दीवान जी, ऐसी लड़कियां रोज ला सकता हूं मैं अपने बेटे के लिए। अगर सर का ताज बना सकता हूं तो वक्त आने पर पैर की जूती भी बना सकता हूं मैं। आप जाइए और चंदर की उदासी का कारण मालूम कीजिए। अरे प्रताप तो उसका दोस्त है, उससे पूछिए और पता कीजिए। जाइए। ते ठीक बोलो ठाकुर साहब, मैं प्रताप नहीं भेजूं। चंद्रभान यार, तू यहां?
अभी अभी तो तेरी शादी हुई और तू कोठे पर। चंद्रमान, अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं यार, इतनी सुंदर बीवी घर पे होते हुए तू कोठे पर कैसे आ गया यार? तेरा चेहरा मुझे बता रहा है कि कुछ तो बात है। जिस लड़की को पाने के लिए तू पागल हो गया था, उसे पाने के बाद तेरी खुशी दुगनी चौगुनी होनी चाहिए। लेकिन ये तेरी चेहरे की मायूसी कुछ और ही बता रही है। क्या बात है यार? अरे देख, देख मैं तेरा दोस्त हूं यार। सुन, मैं तेरा दोस्त हूं चंद्रभान, तू मेरे साथ सब बात कर सकता है, तू सब बता सकता है अपनी दिल की बात मुझे। बता दे मेरे दोस्त। प्रताप, आज तक हम दोनों साथ में नहीं सोए। क्या उनकी वजह से या तेरी कोई समस्या है? अरे वो मुझे छूने भी नहीं देती, डरती है, दर्द होगा, बच्चे होंगे, अजीब है वो। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे चंद्रभान, बच्ची है वो, बचपना है उनमें, वो ये समझ नहीं पा रही है कि विवाह होता क्या है, स्त्री पुरुष के संबंध होते क्या है। तो उसे बताएगा कौन? अरे तू ही बताएगा, और कौन बताएगा, तू ही तो बताएगा उनको। एक बार तू जबरदस्ती कर ले, अपने आप सब बात समझ में आ जाएगी। हाँ, इतनी सी बात है। तू भी यार। अब मैं तुझे जागना सिखाऊंगा। अब मैं सारी कसर निकाल दूंगा। चंद्र, बेटे बेटे चंद्र, चंद्रभान बेटा सुन, बेटा उठो 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 बेटा, क्या हुआ चंद्रभान, क्या हुआ बेटे, बेटा उठो बेटा, होश में आओ, क्या हुआ बेटा, बेटा बेटा सुनो, चंद्रभान चंदा कहाँ गई चंदा, चंद्रभान बेटा होश में आओ बेटा, चंदा कहाँ गई चंदा, उठो बेटा चंदा। अरे ये तो चंदा, चंदा तेरी ये हालत? चंदा सखी तू यहाँ कैसे? जान बचाकर भाग रही हूँ छोटे ठाकुर से, पर तू यहाँ कैसे? जगह कौन सी है? ये तो राजगढ़ है, मैं यहाँ पास ही के एक आश्रम में रहती हूँ। आश्रम में? हाँ चंदा,
किस्मत कैसे कैसे खेल दिखाती है। तुझे याद है तूने जिस आदमी को भूत समझकर सर फोड़ा था? वो खंडहर वाला भूत, वो राघव था। मैं उसके साथ घर छोड़कर शहर भाग गई थी। हम दोनों शहर में रहने लगे, लेकिन वो कुछ काम धाम ही नहीं करता था। उसने मेरे लाए सारे जेवर बेच दिए और उसने मुझे कोठे पे बेच दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो गणिका की नजर मुझ पर पड़ गई। गणिका? हाँ, गणिकाएं काम क्रियाएं सिखाती हैं। वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदारों के बच्चे काम क्रियाएं सीखने आते हैं और अपनी नई नवेली दुल्हन को भी काम क्रियाएं सीखने भेजते हैं। ये काम क्रियाएं क्या होती हैं? तू अभी भी बच्ची है, चल मैं सब कुछ सिखाऊंगी तुझे। चल मेरे साथ आश्रम चल। जब गणिका मुझे ले आई मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन गणिका ने मुझे धीरज बंधाया। धीरे धीरे मैं सब सीख गई, उसके काम में हाथ बटाने लगी। अब मैं ही उसका आश्रम चलाती हूँ। ये है हमारा आश्रम, चलो। चलो पहले तुम कुछ खा पी लो, चाहो तो ये कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी काम क्रियाएं। अब मैं बताऊंगी तुम्हें ये पद्मासन। ध्यान योग में भी आसन होता है और काम योग में भी। वहाँ ध्यान को सुगम बनाने के लिए ये आसन होता है, यहाँ काम को। स्त्री पुरुष को इन क्रियाओं की जानकारी अति आवश्यक है चंदा। स्त्री पुरुष जब युवावस्था में पहुंचते हैं, तब उन्हें इन क्रियाओं की अति आवश्यकता होती है। ये क्रियाएं मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति कराता है और इन्हीं से संसार आगे बढ़ता है। अच्छा, जिस प्रकार जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देह की तृप्ति के लिए काम क्रिया आवश्यक होती है। इस क्रिया में पुरुष को जितना आनंद आता है, उतना ही आनंद स्त्री को भी आता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के थोड़े से स्पर्श से भी आनंदित हो उठते हैं। चंदा, ए चंदा, क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं बसंती, मैं भी सीखूंगी काम क्रियाएं। अवश्य, मैं तुम्हें काम क्रिया में निपुण कर दूंगी, चलो। खमा करनी छोटे ठाकुर। क्या खबर लाए हैं दीवान जी? ठाकुर जी, अठीने गांव में भी देखा, वठीने गांव में भी देखा, सब जगह देखा, लेकिन उनका कोई पता ही को नहीं। तो खा गई चंदा, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। छोटे ठाकुर, मन ने तो लागे है कि या तो उसने पहाड़ से कूद के जान दे दियो है, या नदी में डूब के जल समाधि ले लियो है। नहीं नहीं दीवान जी, नहीं। चंदा मेरी मोहब्बत है और वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकती है। चंदा, अब ये चाहत मेरी नफरत में बदल चुकी है। मेरी नफरत का हिसाब चुकाए बगैर तुम इस दुनिया से नहीं जा सकती हो। दीवान जी, उसकी तलाश जारी रखिए, उसके घर पर भी नजर रखी जाए। ठीक है, जो हुक्म छोटे ठाकुर। खम्मा गए चंदा, तुम मुझसे छुपकर कहीं नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। छोटे ठाकुर ने मारे सिर तो घनी मुसीबत डाल दी है। अरे छोटे ठाकुर ने बोला है तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। कठे पता करे ये कठे गई चंदा। अरे यही कही होगी, पता तो लगाना पड़ेगा दीवान जी। अरे चंदा नहीं हुई, मुसीबत होगी मारे वारे तो। ये करे समझ में को नहीं आवे। चलो आइए देखते। शरीफ झूमे जवानी में, चले इसे शरीफ झूमे जवानी में। अरे चले
ये संभाल संभाल चेले लग गया यार चेले ये इस पे भी शेर आ रहा है चेले चल संभाल संभाल क्या बात है चंदा कुछ नहीं कुछ तो है चंदा बताना क्या बात है मैं पगली थी बसंती जो उसके प्यार को न समझ सकी किसके सुजान के मुझे जी जान से चाहता था उसकी प्यार भरी हरकतों को मैं न समझ सकी लेकिन काकी समझ गई थी और काकी ने हम दोनों की शादी कर दी क्या सुजान और तुम्हारी शादी हो चुकी है हुई थी बसंती लेकिन किस्मत ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया तो कहतों ने हमला करके काका काकी और सुजान को क्या कह रही है तू मैं सच कह रही हूं मेरा दुर्भाग्य ही था वो सबको डकैतों ने मार डाला मुझे भी वो लोग उठाकर ले गए लेकिन राजा राजा ठाकुर ने आकर मुझे बचा लिया मैं तो बच गई लेकिन उन डकैतों ने मेरा सब कुछ लूट लिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है चंदा तुम्हारा सुजान अब भी जीवित है क्या मेरा सुजान जिंदा है हाँ चंदा हाँ काकी भी ठीक है उसी घटना के कारण उन्हें सदमा पैर गया और उसी वजह से उनकी बोलने की शक्ति चली गई बसंती ये तो क्या कह रही है हाँ चंदा हाँ वे वहीं रहते हैं मैं उसे मिली थी सच बसंती मैं कल ही घर जाऊंगी अपने लेकिन चंदा तू वहाँ दिन के उजाले में जाएगी तो ठाकुर के आदमी तुझे पकड़ लेंगे कल रात को जाना मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी ठीक है बसंती कल रात तक समय कैसे बीतेगा सुजान मैं आ रही हूँ सुजान, चंदा अब तक तुम कहाँ थी सुजान मैं छुपते छुपाते यहाँ तक पहुंची हूँ राजा ठाकुर के कुत्ते मुझे जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं घर के बाहर भी एक कुत्ता बैठा है क्या उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए लेकिन राजा ठाकुर तुम्हारी जान के दुश्मन क्यों हो गए राजा ठाकुर ने हमें डाकुओं से छुड़ाया और बताया कि तुम सब लोगों को डाकुओं ने मार डाला इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे झूठी हमदर्दी दिखाकर छोटे ठाकुर से मेरी शादी कर दी अच्छा तो यह है तुम्हारी राम कहानी मेरे भोलेपन ने मुझे बचा लिया सुजान लेकिन तुम्हारे प्यार को ना समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है मुझे क्षमा कर दो भगवान का बड़ा उपकार है चंदा कि तुम मुझे मिल गई अब माँ के दुखी हृदय को शांति मिलेगी मैं अभी माँ को जगाता हूँ नहीं सुजान अभी नहीं ठाकुर के कुत्ते मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं और अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं इधर हूँ तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे इसलिए अम्मा को सुबह बता देंगे और वैसे भी हम लोगों को छुप कर रहना होगा ठीक है चंदा अब मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखूंगा काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने वास्ता चले अरे उस्ताद हम कब सब लेंगे चंदा इतना बड़ा घूंघट और वो भी मेरे सामने ये तो रिवाज है सजना लो तो अब हमारा नाम भी भूल गई सुजान से सजना हो गए हम अच्छे तुम मेरे सजना मैं तुम्हारी सजनी अब तो घूंघट उठाओ लेकिन घूंघट उठाने के लिए तो कोई तोहफा भी देना पड़ेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तुम मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया अच्छा
बहुत कुछ सिखा दिया बसंती ने तुम्हें। और भी बहुत कुछ सिखाया है बसंती ने। और क्या सिखाया है? तुम्हारा सर बुद्धू महाराज। अच्छा तो हम बुद्धू हो गए और तुम बहुत चतुर हो गई। वो तो मैं हूँ। बताओ 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 ना। क्या बात है दीवान जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। घड़ी परेशानी है छोटे सरकार। वो कलवा क्या कह रहा है? कलवा यही के हरपाल का घर दो दिन से बंद पड़ा है। तो फिर वो बुढ़िया और उसका छोकरा कहाँ गया? पता को नहीं सरकार। इस तरह से उनके जाने का मतलब जानते हो चंद्रवान? उन लोगों को इस बात का पता चल गया है कि कलवा उन पे निगाह रखे हुए है और छुप कर वो इसलिए गए है कि चंदा या तो उनके साथ थी या तो वो चंदा के पास ही गए। इसका मतलब है कि चंदा अभी जीवित है। दीवान जी ढूंढिए चंदा को, ढूंढिए जल्दी कीजिए आप। ये चिंता को नहीं करो सरकार, मैं लोग जाकर चंदा का पूरा पता लगा तो है। चल पता लो। तो कहीं भी छिप जाए तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्या बात है चंदा, बड़ी सज धज रही हो, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? कहीं नहीं। तो फिर ये श्रृंगार तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? समझदार पत्नी तो वही होती है ना जो अपने पति को श्रृंगार करके रिझाए। ओ चंदा बहुत समझदार हो गई हो तुम। कुछ दिनों में तुम भी बहुत समझदार हो जाओगे। टूट गई ना मेरी चूड़ी, देखो खून निकल रहा है। देखूं तो? लो ठीक हो गया। चूड़ी तो टूट गई। तो क्या हुआ, मैं दूसरी ला दूंगा। अजी मेरा हरी चूड़ियां पहनने को बड़ा दिल कर रहा है। ठीक है, मैं आज ही हाथ जाकर तुम्हारे लिए हरी चूड़ियां ले आऊंगा। देखो तुम घर पर ही रहना। अजी सुनिए। हाँ संभल कर जाइए। हाँ तोहफा है ये मेरा तोहफा है, तोहफा है ये मेरा तोहफा है। पहले प्यार का कंगना तोहफा है, पहले प्यार का कंगना तोहफा है। तोहफा है ये मेरा तोहफा है,
तोहफा है ये मेरा तोहफा है। नशा और भी बढ़ जाने दो, नैनों से नैना लड़ जाने दो, नशा और भी बढ़ जाने दो। बड़ी मुश्किल से रिश्ता ये जुड़ता है, तोहफा है ये मेरा तोहफा है, तोहफा है ये मेरा तोहफा है। पहले प्यार का कंगना तोहफा है, पहले प्यार का कंगना तोहफा है, तोहफा है ये मेरा तोहफा है, तोहफा है ये मेरा तोहफा है। चंद्रभान, कलवा ने कल रात चंदा को अपने घर की तरफ जाते देखा है। चंदा अपने घर में है? हाँ छोटे ठाकुर, मन्ने अपनी आंखों से देखियो है। यानी कि चंदा और सुजान। छोटे ठाकुर ते चिंता कोनी करो, ते खाली हुकम दो, लठेत बैठ के उठवा देता हूँ साली ने। नहीं दीवान जी, हम क्या मर गए क्या? हम खुद जाएंगे। ठीक है प्रताप, चलो हम स्वयं उसके घर चलेंगे। जैसी हाँ। थारी मर्जी छोटे ठाकुर। चलो। अब क्या होगा चंदा और सुजान का, इमें काम क्या दीवान का? हुँ? शिंगार को कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। मैंने कहा था ना चंद्रपाल, देखो यहां छुपी है। तूने ठीक कहा प्रताप, हमारी पत्नी होकर इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ठाकुर, चंदा मेरी पत्नी है। अच्छा तो पूछ इससे, अग्नि के साथ फेरे इसने मेरे साथ लिए थे कि नहीं? वो शादी झूठ बोलकर कराई गई थी ठाकुर। शादी तो थी, ठकुरान भी बन गई थी तू। फल को छोड़कर इस झोपड़े में चली आई, वो भी इस कंगाल के लिए। यार, महल और झोपड़े नहीं देखता ठाकुर। बहुत बोलने लगी है तू, बहुत कुछ सीख गई है। अब मैं बताता हूँ तुझे प्यार क्या होता है। चल ठाकुर बस, तू रोकेगा मुझे? हाँ। छोटे ठाकुर बस, और कितने अत्याचार करोगे तुम हम लोगों पर? तुम्हारे बाप ने चंदा के बाप को मारा, हमारी दुनिया उजाड़ दी। ए मुखिया, हरम बस बाहर निकल। ठाकुर साहब के हिस्से की बटवाई किसानों से मनवाने के लिए हाँ कर दो मुखिया, वरना ठीक नहीं होगा। धर्मपाल ने हमेशा अपने धर्म का पालन करना सीखा है, और गांव वालों ने मुझे अपना मुखिया चुना है, तो उनके हित की रक्षा करना मेरा धर्म है। धर्म की ठेकेदारी करना छोड़ दे धर्मपाल, वरना यही धर्म तेरे लिए मौत का कारण बन जाएगा। मौत से डर कर धर्म को छोड़ने वाले को जीने का कोई हक नहीं। करवा तो मरने के लिए तैयार हो जा,
अरे मर गए मारने वाले। पापी बाप सूरज भान का बेटा है, उसी ने तेरी बेबस माँ के साथ विश्वासघात किया और उसे घर से निकाल दिया और उसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बोल चुकी तो अब तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। जो सजा देनी है वो मुझे दो। इसे सजा दूंगा तो तुझे अपने आप सजा मिल जाएगी। जो कहोगे वो मैं करूंगी, मगर मेरे सुजान को छोड़ दो। अगर मुझे तुमने सच्चे दिल से चाहा होगा तो इतना मान तो रखोगे ना। ठीक है चल, जा छोड़ दिया सुजान को तेरे लिए, अब चल मेरे साथ हवेली। सुजान, सुजान, माँ ये क्या हो गया माँ, माँ माँ माँ, मुझे तेरी कसम
मैं ठाकुर के पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। जब तक उसे बर्बाद नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। एक दिन यही कमरा तेरे सुहाग रात के लिए सजाया था, आज यही कमरा तेरा कैद खाना होगा। आज सताया है तूने हम सबको, सबका हिसाब देना होगा तुझे। और हाँ, अब भागने की गलती मत कर बैठना, बहुत सख्त पैरा लगा रखा है मैंने। तुझे मैंने अपने सर पर बैठाया था, अब तुम हमारे जूते बनकर रहना। चलो बेटे। ठाकुर साहब, पैर की जूती सर का काज कैसे बनती है वो चंदा जान गई है। अब देखना मेरा चुलवा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अरे क्या बात है, अचानक इतना बदलाव कैसे? छोटे ठाकुर, इस शराब में वो नशा कहाँ होगा जो इस शबाब में है। आज ऐसा जलवा दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, कातिल जब मेहरबान हो जाए तो समझो कत्ल का वक्त आ गया है। ये तो सच है ठाकुर। हाँ जाने मन, आज कत्ल की ही रात है, देखे कौन किसे कत्ल करता है। हुस्न वालों के हाथों मरने का मजा ही कुछ और है। इतनी जल्दी भी क्या है ठाकुर, नशा और चढ़ने दो, मजा और बढ़ने दो। अभी तो रात बाकी है। रात बाकी, बात बाकी। चंदा, तुम्हारा ये हुस्न देखने के लिए हम कब से तरस रहे थे। तुम्हारी सारी तड़प खत्म हो जाएगी। मेरी जवानी का नशा आज तुम्हारी सारी इच्छाएं मिटा देगा। ठाकुर, आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है ये। मर गया साला नालंग का कीड़ा। हिम्मत कैसे हुई होने प्यारे की? आज सारा हिसाब किताब चुकता करने आया हूँ ठाकुर। पर इतनी औकात कमीने। Oh!
Yeah! 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 Ye